हेलो भैया, इस नई वीडियो में आप लोगों को फिर से स्वागत है। मैं हूं गुलाब। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक 6, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 5 क्वेश्चन को अलग अलग वीडियो बना करके डाल दिया हूँ। आप लोग उस क्वेश्चन को अवश्य देखें ताकि इस क्वेश्चन को बनाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चलिए देरी न करते हुए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने फार्मूला वाले वीडियो भी बना के रखा है, उस फार्मूला वाले वीडियो को भी आप लोग अवश्य देखें ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को बड़े ही इजीली तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा छठा क्वेश्चन 1 cos θ / 1 cos θ - 1 cos θ / 1 cos θ है, इक्वल में प्रूव करना है 4 cos θ * cosec θ, ठीक है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग अंत तक देखिए ताकि इस क्वेश्चन को समझने में परेशानी ना हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पर हल क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 1 cos θ / 1 cos θ - 1 cos θ / 1 cos θ। बहुत ही आराम से देखेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया है क्वेश्चन के। अब देखिए, यहाँ पर जब भी ऐसा आए तो आप लोग एलसीएम लेकर ही आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका आ जाएगा, देखिए, 1 cos θ * 1 cos θ, ठीक है, ये एलसीएम आ गया। अब उसके बाद आप लोग 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे कि एलसीएम वाले फंडा को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये इसका जो मल्टीप्लाई जो होता है 1 cos θ के साथ कर दो, फिर बीच में माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह को रख दो, फिर 1 cos θ का मल्टीप्लाई 1 cos θ को कर दो, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई 1 cos θ के साथ करो, तो 1 cos θ, इसको मैं लिख दिया 1 cos θ को, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो गुणा 1 cos θ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पर साइन का चिन्ह है माइनस, माइनस चिन्ह है तो माइनस लिख दिया। फिर इसके पश्चात 1 cos θ * 1 cos θ हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 1 cos θ * 1 cos θ, ठीक है भाइयों। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। आप लोग आराम से देखते जाइए, एकदम इजली तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर 1 cos θ * 1 cos θ है, दोनों एक ही है, एक ही जैसा है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 1 cos θ² ठीक है। इसी तरह से देखिए, 1 cos θ * 1 cos θ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 cos θ² ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अपान, देखिए यहाँ पर एक बीजगणितीय फार्मूला का यूज होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी इस तरह के सूत्र को रख कर बताया है, यूज करके बताया है। तो यहाँ पर एक बार चलिए लिख लेते हैं, फिर कैसे सूत्र का यूज होता है उसको देखेंगे। 1 cos θ * 1 cos θ, ठीक है। अब यहाँ पर 3 फार्मूले का यूज होगा, 1 cos θ² दिया है और 1 cos θ² दिया है अपान में, है ना, 1 cos θ * 1 cos θ। सूत्र को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सूत्र क्या बोलता है, 1a + b² इक्वल होता है a² + 2ab + b² और a - b² क्या बोलता है a² - 2ab + b², ठीक है। और एक और फार्मूला है a² - b² का फार्मूला क्या बोलता है, a + b * a - b। बस यही 3 सूत्र का यूज इस में होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग रिलेट करना, 1 cos θ / 1 cos θ² - 1 cos θ² इस दोनों फार्मूले का यूज इसमें है। तो 1 cos θ² ये है a + b² के सूत्र में जमेगा, तो इसी में जमा कर चलिए लिख देते हैं। देखो, 1² आप लोग इस फार्मूले को कक्षा 9वीं में भी अच्छे तरीके से याद किए होंगे, तो चलिए इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, 1² हो जाएगा + 2ab, a का मान 1 है और b का मान यहाँ पर cos θ दिया है,
ठीक है, यहाँ पर रख दिए 2ab प्लस बी का स्क्वायर, बी का मान कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह है, ठीक है, माइनस चिन्ह जब भी रहता है तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बता दिया हूँ और अब भी बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर कोष्टक लगा देना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से रिलेट करो तो एक का वर्ग एक हो जाएगा, माइनस टू ए बी, ए का मान एक है और b का मान कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस थीटा है, ठीक है, टू ए बी प्लस बी का वर्ग मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है भैयो। अपान, अपान में क्या दिया है देखो, इसे रिलेट करने पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आप लोग जानती हो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला हो जाएगा एक कवर का एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग पेन कापी पकड़ के स्टडी कर रहे हो तो अवश्य ही इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा क्या, यहाँ पर माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो चलिए माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वन प्लस टू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, माइनस वन माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस, फिर ये आ जाता है टू कॉस थीटा, फिर ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपान वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके पश्चात देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर प्लस और माइनस है, देखिए यहाँ पर प्लस वन है और यहाँ पर माइनस वन है, ये दोनों कैंसल हो गया, इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में है, ये भी आपस में दोनों कट जाएगा, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब उसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या बचा है उसको लिख देते हैं। देखिए टू कॉस थीटा प्लस टू कॉस थीटा दोनों का ऐड हो रहा है, तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो दो और दो कितना होगा, चार, चार कॉस थीटा। अपान में क्या दिया है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब उसके पश्चात देखिए ये वाले फार्मूले का भी आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, ठीक है, उस वीडियो को आप लोग अवश्य ही देखो तभी आप लोगों को ये इजली तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र को मैं लिख देता हूँ, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी फार्मूले को यहाँ पर रखो तो क्या होगा, चार कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर पुट कर दिए फार्मूले को। अब इसको अलग अलग डिफाइन करो, अलग अलग लिखो, कैसे लिखना है देखो, चार कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग दो बार कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब उसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा होगा, देखो चार कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू वन अपान साइन थीटा, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया हूँ। अब उसके पश्चात यहाँ पर देखिए फिर से फार्मूला का यूज होने वाला है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा का फार्मूला आप लोगों को बताया हूँ कॉट थीटा होता है, इसी तरह से वन अपान साइन थीटा का फार्मूला होता है कोसेक थीटा होता है, ठीक है। तो उस फार्मूले को आप लोग याद किए होंगे तो बहुत ही बोलता हूँ मैं बहुत ईजली तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा का फार्मूला होता है कॉट थीटा, और वन अपान कोसेक थीटा का फार्मूला होता है वन अपान साइन थीटा का फार्मूला होता है कोसेक थीटा। देखिए हमने बहुत ईजी तरीके से हम लोग राइट हैंड साइड को प्रूफ कर लिए, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसको आप लोग नोट कॉपी कर लो, ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग इसको स्क्रीन शॉट लेकर भी आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है। और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, और आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ ताकि आप लोग एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी कर सको।
ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।